सोनभद्र अनपरा प्लस क्लब के अध्यक्ष दीपक सिंह महामंत्री बने। वली अहमद सिद्दीकी को अनपरा सोनभद्र अनपरा तापी परजनावासी परिसर स्थित अधिकारी अतिथि गृह में वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश भटनागर अतुल साह व अशोक तिवारी की अध्यक्षता में एक बैठक कर प्रेस क्लब का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से अनपरा प्रेस क्लब का अध्यक्ष महामंत्री उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष का चुनाव कराया गया। बैठक में उपस्थित पत्रकारों को नियुक्त किया। बैठक को समर्थित करते हुए वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश भटनागर ने संगठन की मजबूती पर बल देते हुए कहा कि पत्रकारिता में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, हर कलमकार की अपनी अपनी भूमिका होती है। अतुल शाह ने कहा कि पत्रकारों में एक दूसरे के प्रति सम्मान भाव होना चाहिए। एक पत्रकार को निर्भीक और निडर होकर अपनी लेखनी के समाज की कुरीतियों के प्रति आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। आवाज बनेंगे जिनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। पत्रकारिता से हमारा आज 22 साल से संबंध है और मैं 15 साल दैनिक जागरण में रहा, अमर उजाला में रहा, आज दैनिक भास्कर में हूँ। और यही मैंने देखा है कि कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अगर कोई दबाव बना भी रहा हो तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। एक कलमकार को निर्भीक होना चाहिए। पत्रकारिता में तमाम ऐसी समस्याएं आती हैं जहां आदमी को लगता है कि कहीं ना कहीं हम असुरक्षित हैं। आज की डेट में ऐसा है, बट आप अपने को असुरक्षित न मानते हुए किसी भी पीड़ित की आवाज़ को आगे बढ़ाएं, यही मेरा कहना है। और आज जो अनपरा प्रेस क्लब का गठन हुआ है, इसका उद्देश्य यह है कि अनपरा और आसपास के जितने हमारे पत्रकार भाई हैं उनकी समस्याओं को, उनकी जेन्युइन समस्याओं को उठाना हमारा काम होगा। और आगे इस पत्रकार क्लब को हम लोग आगे और बढ़ाएंगे, सदस्यों को भी बढ़ाएंगे, साथ ही हमारे मार्गदर्शक मंडल का जो भी दिशा निर्देशन होगा उसको फॉलो करेंगे। पत्रकारिता से हम ये चीज़ और कहना चाहेंगे कि पत्रकारिता हमारी इस तरह की होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति हमारे पे उंगली न उठा सके, हम उसके ऊपर उठाएं कि आप गलत हो, आप गलत हो, आप बताओ। वो हमी से सवाल न करने पाए, इसको हमको बचाना है। हमको अपनी कमियों को सामने लाना है। कोशिश पूरी यही रखनी है कि हमारी कमी कभी किसी की सामने या हमारी कमजोरी न बने। नए युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? नए युवाओं के लिए आप क्या कहना? युवाओं के लिए यही कहेंगे कि अनपरा प्रेस क्लब में बहुत कुछ उनको सीखने को मिलेगा। हम लोग जो अनुभव आज 20-22 साल में प्राप्त किए हैं उससे उनको हम लोग लाभान्वित करेंगे, उनको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। उनको पत्रकारिता में किस तरह से आगे बढ़ना है इसका हम लोग समय समय पर उनको दिशा मार्गदर्शन करते रहेंगे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने हमारे ऊपर इतना विश्वास रखा और मुझे इस पद के लायक बनाया। धन्यवाद।